हाय, वेलकम बैक टू माय चैनल। कैसे हो आप लोग? आई होप आप लोग अच्छे होंगे। हम लोग भी बहुत बढ़िया हैं। नहीं पार्थ, कैसे हैं हम? ये क्या क्या नहीं हो रहा है? अच्छा, बाबू दादा के साथ रहेगा ना? दादा के साथ भी तो कोई रहना चाहिए। दादा बोर हो जाएगा ना, दादा का बाबू ख्याल रखेगा। हम लोग 2 मिनट में आएंगे। अरे हम लोग कल कल नहीं परसों जाएंगे। हम लोग फिर कार से सब लोग घूमने जाएंगे ना। स्कूटर पे 3 लोग नहीं आ सकता। दादा, हाँ दादा, बाबू, मम्मी, पापा। कार चलेगा? परसों दूर चला जाएगा घूमने। कार दूर? दूर जैसे मैं स्कूटर पे ज्यादा लोग जैसे नहीं मैं हटता। दूर गया था अपने स्कूल में आज। उससे भी दूर, बहुत दूर। ज्यादा ना ना, कार है कार। तुम स्कूटर, इसको स्कूटर से जाने में दिक्कत होता है, वो इसलिए बोल। आ मेरे बाल खराब। हटो, बात नहीं करना। बच गया, नहीं तो आज इनकी पिटाई हो जाती इसी टाइम। चलिए, तो हमने ये वाला ग्रीन वाला सूट पहना है। अरे बाप रे, कुछ होगा बैग में तो फूट जाएगा सब। क्लचर इतना बदमाश है, क्लचर वगैरह सब मेरा टूट जाता है। अगर पर्स वगैरह में रहता कोई भी तो क्लिप वगैरह चढ़ जाते हैं देह पे। छोटे बच्चे हैं, देखो ये छोटे बच्चे हैं, देखो। चलो, आज पार्थ का स्पोर्ट्स डे था और पार्थ को आज सिल्वर मिला। सेकंड आया तो पार्थ को सिल्वर, क्या बोलते हैं उसको पार्थ? मेडल, मेडल बोलते हैं ना? सिल्वर भी होता है। हाँ, सिल्वर होता, गोल्ड होता है। गोल्ड मिल रहा था फर्स्ट को, तुमको सेकंड मिला। चलो दिखाते हैं कैसा है। ओ दिखाते तो है, मेडल दिखाते हैं। अच्छा छोड़ो, नहीं दिखाना तब। दिखाना। तो हम लोग निकल गए मार्केट के लिए कुछ गिफ्ट्स लेने के लिए, कुछ अपने लिए हम खरीदने के लिए। क्योंकि मुझे लगता है अगर आपका कोई भी स्पेशल डे आ रहा है तो आप गिफ्ट दे रहे हो दूसरे को, तो आप खुद के लिए भी कुछ खरीद सकते हो। ऐसा नहीं है तो मैं तो अपने लिए छोटी छोटी चीज़ें खरीद ही लेती हूँ हमेशा। और फिर से हम लोगों ने मार्केट में शॉपिंग की थोड़ी बहुत। कैमरा अलाउ नहीं होता है हर जगह, तो मैंने हर जगह सूट नहीं किया। और ये मुझे ईयरिंग्स दिख गए तो सोचा चलो देखते हैं। ये कहते कितना आपको अच्छा लगता है, हमको ना जहाँ भी देखें वहाँ रुकना ज़रूरी है। मुझे पता नहीं क्यों, ख़रीदना हमेशा नहीं होता है बट मुझे देखना होता है कहीं नया कुछ अच्छा तो नहीं है सस्ते में, तो इसलिए मैं रुक जाती हूँ हमेशा। फिर हम लोगों ने अपने स्कूटर लिया और निकल गए। पार्थ नहीं आया, पार्थ घर पे है अपने दादा के साथ, क्योंकि उसे लेके आ जाते लोग बट उसके दादा फिर अकेले बोर होते घर पे, तो फिर सोचा छोड़ो उसको, पार्थ को छोड़ देते। पार्थ कह रहा था मम्मा आजकल आप हमको कहीं लेके नहीं जा रहे हो, उस दिन हॉस्पिटल भी गए थे आप तो लेके नहीं गए हमको, तो वो परेशान कर देता है। हॉस्पिटल बोले तो थोड़ी सी मेरी तबीयत खराब हो गई थी गाँवों से आने के बाद अचानक से, तो फिर से इसलिए जाना पड़ा थोड़ा सा चेकअप कराने कि क्या हुआ है क्या नहीं हुआ है, बट कुछ नहीं था, ठीक था सब कुछ। तो चलो फिर घर चलते हैं जल्दी से। और कल है हमारी एनिवर्सरी जिसके लिए शॉपिंग करने आए थे हम। तो इधर बन रहा है भगवान जी के लिए खीर और हो चुकी है हमारी सुबह। हमने पूजा वूजा कर लिया है, बस भगवान जी को भोग लगाएंगे और पूजा कंप्लीट हो जाएगी। तसली में देखो मैंने क्या रख दिया, ऑयल रख दिया था इधर तसली में, तसली ही बोलते हैं हांडी, तो हमें कड़ाही में खीर बनाना पड़ा। पार्थ क्या खाया जा रहा है? ओके खाओ। तो हम आ चुके हैं बालकनी में और हल्का हल्का धूप है बट इतना से सूख जाएगा अच्छे से मेरे बाल। Thank you.
हम हो चुके हैं तैयार मंदिर जाने के लिए और इन्होंने खा लिया खीर, हम तो खा लिए थे। उसके बाद से हमने ड्रेस पहना अपना, और ये पहना है मैंने नेकलेस, जो मतलब ख़रीदा मैंने अपने पैसे से, मैंने खुद को गिफ्ट किया था एनिवर्सरी पे, बट इन्होंने कहा कि अरे इसी के पैसे ले लेना आप, ये हमारी तरफ से है। तो मैंने कहा चलो भाई ठीक है, अच्छी बात है। तो ये सिल्वर में है, मतलब सिल्वर है बट गोल्ड प्लेटेड है, उतना एक्सपेंसिव नहीं रहता है सिल्वर वाला, बट सुंदर लग रहा है। और इसकी ख़ास बात ये है ना कि ये दोनों साइड से आप पहन सकते हो, ये देखो इस साइड से भी पहन सकते हो, और उस साइड दूसरा कलर है, और इधर नवरत्न है, मतलब नौ कलर है। तो चलो ठीक है, अभी तो बज रहे, मतलब 12, तो सोच रहे हैं कब से हम लोग तैयार होकर बैठे हैं कि 12 बजे तो घर से निकलते नहीं है, थोड़ी देर बाद निकलेंगे हम लोग, तो वेट कर रहे हैं सब लोग। और अभी थोड़ा एक दो हम लोग सेल्फी खींचेंगे, फिर से हम लोग निकलेंगे 12:30 या 1:45 से, मंदिर जाना है। तो आज तो वीकेंड है तो पूरा डे खुला रहेगा ये बोल रहे थे, तो उतना टाइम का लिमिट नहीं था, घर पे पूजा वूजा कर लिया सब लोगों ने। और रुको मैं आप लोगों को अपना फुल लुक दिखाती हूँ कि मेरा ड्रेस कैसा है, ये तो मैं भूल ही गई। पार्थ खड़ा हो जा, तो ये है मेरा आज का ड्रेस। पार्थ अपना दिखा दो, पार्थ में थोड़ा फीका लग रहा है। नहीं कुछ नहीं, कोई दूसरा या तो फुल बाजू का पहना दे। वो सही लग रहा है, ऐसा नहीं ना, हम बहुत नहीं। तो हम लोग निकल रहे हैं, और मेरा हाथ जल गया था रात को कुकर से, भाप निकल गया था। हाँ चलिए पहले नीचे, वहा नीचे तो चलिए, नीचे चलिए पहले आते हैं। सैंडल तो पुराना ही पहन ले, जो नॉर्मल पहनते हैं। तो फिर कुछ करना होगा पेमेंट, तो मेरे से करिएगा, बहुत मेरा आजकल बहुत सारे पैसे खत्म हो रहे हैं। हाँ पानी ले लीजिए, बॉटल में पानी ले लीजिए। बॉटल कहाँ है? यहीं पे तो था, कहाँ? डाइनिंग टेबल पे है। अरे ये लेट हो जाता है ऐसे। तो बताना हम कैसे लग रहे हैं, थोड़ा सा ऐसा देख के लग रहा है मैं साउथ इंडियन टाइप का ड्रेस पहन रखा है, सिल्क ऐसा इधर के लोग पहनते हैं। कोई बात नहीं, साउथ में रहते हैं तो साउथ वाला लुक भी कभी लेना चाहिए, मुझे ऐसा लगता है। तो अच्छा लग रहा है, ग्रीन कलर मेरे पे मुझे ऐसा लग रहा है। चलिए तो हम ये बताना भूल गए कि आखिर में हम जा कहाँ रहे हैं, कौन से टेंपल जा रहे हैं। तो हम जा रहे हैं राधे कृष्ण इसका जो इस्कॉन टेंपल है बेंगलुरु में, वहाँ पे, क्योंकि ऐसा होता है ना कि बहुत सारे मंदिर हैं अगल बगल, बट हम लोग जाते हैं हमेशा, और इस बार इनके पापा आए हैं तो ये नहीं गए हैं इस्कॉन टेंपल, तो सोचा ये घूम लेंगे, प्लस हम लोग दर्शन भी कर लेंगे। हम लोग तो आए हैं बहुत बार बट ये नहीं आए थे, तो सोचा ये इनका भी घूमना हो जाएगा और हमारा भी हो जाएगा, दोनों जन का एक साथ काम हो जाएगा। तो फिर हम लोग आ गए और फाइनली हम लोग पहुँच भी गए टेंपल। तो चलो चलते हैं, इतना आजकल हर मंदिर में इतना भीड़ होता है कि पूछो नहीं। और आज तो संडे, संडे के दिन तो कुछ ज़्यादा ही भीड़ था। फिर हम लोगों ने अपने चप्पल जमा किए, सब लोगों ने बोरे में रखे जमा किए, फिर से हम लोग चले गए यहाँ। अच्छा यहाँ चप्पल चोरी नहीं होते, कहीं कहीं मंदिर में तो चप्पल ही चोरी हो जाते हैं, पूछो नहीं। तो देखो पार्थ आगे आगे चलते हुए, इसे पता ना क्यों इस रेलिंग टाइप पे चलना चढ़ना इसे बहुत पसंद है। और इधर देखो, इधर के कुछ नज़ारे ऐसे हैं, और ये सामने से टेंपल का व्यू है। फिर इन लोगों के मैंने फ़ोटो खींचे, दादा बाप बेटा सबका, और मैंने सिंगल से फ़ोटो खिंचवाया किसी और से देख के। फिर हम लोगों ने सारे फ़ोटो खींच लिए, फिर हम लोग अंदर गए, और ये देखो पीछे का व्यू, मतलब यहाँ पे आने के बाद ना अलग सा लगता है, बहुत हाइट पे आ गए हैं, पहाड़ पे चढ़ के आ गए हैं, ऐसा फील होता है जब हम लोग सबसे टॉप पे जाते हैं टेंपल के। और मंदिर में जो गोल्ड लगे हैं ना वो रियल गोल्ड है, ऐसा मैंने सुना है, ये सच है, तो आप लोग भी देखना। बाहर भी जो एक पिलर टाइप का था ना लंबा सा, उसको क्या बोलते हैं, वो भी गोल्ड का है, पूछो ने। और ये देखो पार्थ की नौटंकी, ये ऐसे ही नौटंकी करते हुए चलता है। मंदिर
तो हम लोग ऐसा लग रहा था जैसे फ्लोर वाइज चढ़ रहे हैं। और होता है ना कि ये हर फ्लोर पे छोटे छोटे मतलब मूर्तियाँ रखी हुई हैं और आप उनके दर्शन करते हुए आगे बढ़ते जा रहे हो। बहुत बड़ा है वैसे यहाँ का इस्कॉन टेम्पल। मैं अदर जगह तो गई नहीं हूँ, यहीं पे मैं आई हूँ। जितनी बार आई हूँ अदर किसी भी सिटी या स्टेट के मैंने इस्कॉन टेम्पल नहीं देखे हैं। तो फाइनली हम लोग टॉप फ्लोर पे आ गए और यही टेम्पल है जिसमें राधा कृष्ण है। और देखो यहाँ भीड़ लगी हुई है बहुत ज़्यादा, कैमरा अंदर अलाउ नहीं है। तो मैंने सोचा चलो कोई बात नहीं, बाहर से ही शूट कर लेते हैं, थोड़ा बहुत अगर दिखा सकेंगे अंदर से निकलते वक्त तो दिखा दो। फिर हम लोगों ने प्रसाद लिए इधर आके, लेकिन प्रसाद दो तरह के थे एक ही डब्बे में, एक पुराना और एक नया जो ख़राब सा लग रहा था। फिर इधर नीचे आए लो तो मूर्तियाँ मिल रही थी, बुक्स मिल रहे थे, स्टिकर्स मिल रहे थे, तुलसी माला मिल रहा था, स्टैंड मतलब बुक वाला, बुक रीडिंग वाला जो स्टैंड होते क्या बोलते हैं उसको, वो मिल रहा था। बहुत सारी चीज़ें मिल रही थी और ये देखो बुक्स बहुत सारे। फिर थोड़ा सा नीचे आने के बाद स्वीट्स, फिर वही मूर्तियाँ, माला और छोटी छोटी चीज़ें बहुत सारी क्यूट क्यूट सी कुछ ने। फिर हम लोगों ने कुछ खरीदे भी चीज़ें और ऐसे ही घूमा हम लोगों ने, बहुत कुछ देखा। वैसे हम लोग पहले भी यहाँ पे आते हैं, ऐसा आए हैं, लेकिन एक होता है ना कि मैं ब्लॉगिंग तब नहीं करती थी तो मेमोरी के तौर पर बस पिक्चर्स हैं, अदर कुछ नहीं है। इस बार ही सोचा वीडियो बनाते हैं, थोड़ा ब्लॉग बनाते हैं। ऐसा रहता है ना कि आप कभी भी देखो तो हाँ पहले ऐसा दिखता था अब ऐसा दिखता है, पहले हम ऐसे दिखते थे अब ऐसे दिखते, थोड़ा हम कंपेयर करने लगते हैं। और बहुत सारी चीज़ें मिलती हैं पूजा पाठ वाली छोटी छोटी, जैसे अगरबत्तियाँ, सुगंधित अगरबत्तियाँ, कुछ डेकोरेटिव आइटम्स, फ़ोटो फ्रेम्स देवी देवताओं के, कृष्ण भगवान के, हनुमान जी के और भी बहुत सारे, मतलब हर देवी देवता का फ़ोटो नहीं था, जैसे माता रानी का फ़ोटो नहीं था। मुझे लगा कि बड़ा सा अगर फ्रेम में होगा तो मैं लूँगी, अगर सस्ते में पड़े तो, सस्ते में मतलब कि मेरे प्राइस के अकॉर्डिंग मुझे लगता है कि हाँ मुझे इतना में ये चीज़ ख़रीदनी है, अगर मिल जाती है तो मैं ख़रीदती हूँ, नहीं मिलता है तो मैं सोचती हूँ छोड़ो बाद में कभी ले लेंगे। फिर से हम लोगों ने नीचे घूमे, ऐसे ही बस देखा सामान कि क्या क्या मिल रहा है। और प्राइस उतना हाई नहीं था, ऐसा नहीं कि प्राइस बहुत हाई था, ऐसा कुछ नहीं, नॉर्मल था। हमको लग रहा है कहीं कहीं तो ठगते हैं, यहाँ पे तो स्टिकर लगा दिए थे प्राइस का कितना में ये चीज़ है आप ले लो। फिर से कपड़े भी थे छोटे बच्चों वाले, कृष्णा वाले। फिर हम लोग चले गए प्रसाद लेने, जो खिचड़ी मिलता है ना यहाँ पे प्रसाद के तौर पर, उसे लेने के लिए। चलो मम्मा बड़ा सा खरीदेगी मॉल से, स्लेट खरीदना है कि कार खरीदना है? तो अभी हम लोग प्रसाद लेने जा रहे हैं। फिर हम लोगों ने प्रसाद लिए, खिचड़ी और फिर से खाया। और उसके बाद से यहाँ फ्री का खाना मिलता है जिसके लिए ये देखो लंबी सी लाइन लगी हुई है। तो अभी हम अपने स्लीपर्स लेंगे, उसके बाद से निकलेंगे कुछ खाने के लिए बाहर में। तो बाहर में बगल में ही चूल्हा चौकीदार ढाबा है तो वहाँ जाएंगे, सबसे पहले खाना खाएंगे। यहाँ भी था बट पता ना यहाँ पे कैसा खाना मिलता है, इसलिए हम लोग सोचे कि नहीं चलो बाहर ही खाते हैं, आराम से खा के कैब लेके निकल लेंगे। यहाँ आने के बाद पता चला बहुत ज़्यादा वेटिंग है, तो बोल रहा है वेटिंग के लिए भी नहीं ले सकते। तो हम लोग थोड़ी देर वेट किए, फिर हम लोग बोले कि नहीं भूख लगी है चलो चलते हैं। वेट करेगा खाने के लिए या फिर दूसरी जगह चलेगा? दूसरी जगह चलेगा। ओके।
तो हमने यहाँ तो खाना खाया नहीं, फिर बगल में मॉल था, शायद ओरियन मॉल था, मैंने नाम अच्छे से नहीं देखा, वहाँ गए, फिर हम लोगों ने खाना खाया। बट यहाँ भी बहुत देर वेट करने के बाद, समझो लगभग आधे घंटे या 45 मिनट्स लग गए होंगे वेट करने के बाद, हमें कुछ खाने को मिला। पूछो का है। वाव, ओके पार्स आ जा, ए पार्स नहीं जा, ये दादा लड़का है, पापा भी लड़का है, खेल ही लेना करे हो जीरो दिन में। बस है बेटा, बस खाली खेलने लिया, बस नहीं ट्रेन है छोटी। तो चलो ठीक है, अगर आपको हमारा आज का यह ब्लॉग अच्छा लगा हो तो प्लीज़ हमारे वीडियो को लाइक कर देना, शेयर कर देना और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना नहीं भूलना। थैंक यू फॉर वॉचिंग माई वीडियो, तो मिलते हैं नेक्स्ट ब्लॉग में, तब तक के लिए बाय बाय।